आज मैंने सोचा मैं बनाऊंगी सिंधी चावल, आलू मटर की सब्जी, मसूर की दाल और रोटी। तो सिंधी चावल के लिए मैंने यहाँ पे तेल और थोड़ा सा घी मिक्स कर लिया है। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस किए हैं, कुछ इलायची और तेज पत्ता। अब ये सब मैं डाल दूंगी गरम करके ऑयल में, और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम स्लाइस्ड अनियंस, और इनको हमें अच्छे से डार्क गोल्डन ब्राउन, गोल्डन नहीं, डार्क ब्राउन करना है। और ये देखिए हाफ वे थ्रू हो चुका है। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे हल्की सी शुगर, नॉट फॉर मिठास, फॉर द शुगर टू कैरमलाइज, एंड देन योर अनियंस इतने खूबसूरत से ब्राउन हो जाएंगे। चलिए अभी इसमें डालते हैं मसाले। सबसे पहले ये है कश्मीरी लाल मिर्च, फिर इस पे हम थोड़ी सी डालेंगे नॉर्मल वाली रेड चिली पाउडर, और फिर इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। ये मैं डालूंगी लगभग 2.5 चम्मच, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसमें फ्लेवर आता है वो धनिया पाउडर से ही आता है। सो आप ये कह सकते हैं कि इस डिश का जो किंग है वो ये पाउडर है। एक्चुअली मेरी मम्मी ये बनाया करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। चलिए अब थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैंने डाल दिए चावल आलू और अच्छे से मिक्स कर दिए। अब बस मैं इसमें पानी डालूंगी और इसे प्रेशर दे दूंगी और फिर चावल हो जाएंगे रेडी। वहां पे मैंने मसूर की दाल कुक होने के लिए रखी है और ये पापा का अंडा बॉईल हो रहा है। ओके, सो अब इसमें पानी, नॉर्मली पानी 1:2 रेशियो में हमेशा राइस में डाला जाता है, तो ये मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। अभी फिंगर से चेक करते हैं। चेक करने का आज मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इतना मतलब कम है, तो हम थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि इसमें पटेटो भी है, तो थोड़ा मैं पानी ज़्यादा रखूँगी कि मेरी फिंगर जो है लगभग हाफ डिप हो जाए। अब देखिए बिल्कुल करेक्ट वाटर लेवल है, ये देखिए। सो अब इसे प्रेशर कुक किया है ओनली फॉर 1 प्रेशर और उसके बाद रेडी। तो हो गए हैं हमारे सिंधी चावल रेडी, और ये मेरे बचपन से बहुत ज्यादा फेवरेट रहे हैं, तो आज मैं ये बना के लेके जा रही हूँ। एकदम ही मस्त बने हैं। बस इसे अभी अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी का टिफिन पैक हो रहा है, सब्जी पैक हो गई। ये दाल को मैं तड़का देना भूल गई थी, तो बस इसे फटाफट तड़का दे रही हूँ और फिर हम लोग चलते हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे।